हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं हुवाती आपकी इंग्लिश एजुकेटर कैसे हैं आप सब सो so, अब हम करने वाले हैं कंटिन्यू एंगेजिंग इंग्लिश क्लास सेवन की जो हमारी लिटरेचर बुक है उसका फिफ्थ चैप्टर हम इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं क्या है हमारे चैप्टर का नाम हमारे चैप्टर का नाम है वेयर टाइगर स्विम विच हैज़ बीन रिटन बाय बिट्टू सहगल बिट्टू साइगल कौन है ये एक एन्वायरमेंटलिस्ट है नाउ हेयर इन दिस चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड टू इंसिडेंट्स यहाँ पे जो राइटर है उसने दो रियल इंसिडेंट्स को शेयर किया है एक जिसमें वो बेंगॉल रॉयल बेंगोल टाइगर जो हैं उसके साथ उनका इनकाउंटर होता है और एक जहां वो ये बता रहे हैं कि टाइगर्स जो हैं वो किस तरीके से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन सेल्फिशनेस राइट नाउ वी विल सी द समरी ऑफ़ दिस चैप्टर फॉलोड बाय द क्वेश्चन आंसर्स वेयर टाइगर स्विम इज़ अ वाइल्ड लाइफ लिटरेचर अ स्मॉल एक्स्ट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बुक द सुंदर बंस इनहेरिटेंस रिटर्न बाय बिट्टू सहकल तो यहाँ तक हमने क्या बता दिया यहाँ तक तो हमने बता दिया कि ये कौन सी बुक से लिया गया है और किसने लिखा हुआ है

He also talked about different types of birds and the food they sought. इस चैप्टर में उन्होंने अलग अलग तरीके की जो बर्ड्स होती हैं वो क्या खाती हैं उनके बीक्स के बारे में वो सब भी डिस्कस किया Then he talked about water animals and how the magical ecosystem is geologically new and still evolving. उन्होंने फिर वहाँ के वाटर एनिमल्स के बारे में बात किया उन्होंने बोला कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है जहाँ बर्ड्स हैं animals हैं water animals हैं किस तरीके से आज भी evolve हो रहे हैं द नरेटर ऑल्सो नरेट्स एन इंसीडेंट फ्राम एन अर्लियर विजिट जो नरेटर हैं वो एक और इंसीडेंट शेयर करते हैं उनके एक पहली विजिट मतलब सुंदरबन में वो पहली बार नहीं आ रहे हैं तो सुंदरबन में इससे पहले जो उनका विजिट था उसके बारे में वो एक इंसीडेंट शेयर करते हैं इन दिस इंसीडेंट दाइटर टॉक्स अबाउट हाउ सुंदरबन इज़ बिंग एक्सप्लोयटेड बाई ह्यूमस यहाँ वो बता रहे हैं कि सुंदरबन कैसी जगह है किस तरीके से ह्यूमन्स उसको एक्सप्लॉयड कर रहे हैं

फिडलर क्रैप्स क्या थे ये उसको उन्होंने जूल्स कहा था वो जो क्रैप्स होते हैं जो एकदम से आते हैं और पानी आती है तो फिर अंदर चले जाते हैं जैसे ही पानी चला जाता है तो फिर वो एकदम शोर पे आ जाते हैं फिर वो अंदर चले जाते हैं इसको उन्होंने अर्थ के जूल्स कहा है मूवमेंट ऑन लैंड मर्ड मूवमेंट ऑफ लैंड किसके लिए था मर्ड जो एक ऐसी फिश है जो पानी में भी रह सकती है और लैंड पे भी रह सकती है हल्दी भारी कैंप यहाँ पे उन्होंने क्या किया था यहाँ पे उन्होंने बोट्स जितनी भी बोट्स थी जो लोग चुरा के लेके जा रहे थे लॉग्स को उसको कॉन्फिसिकेट कर लिया था कॉन्फिसिकेट का मतलब जब्त कर लिया था वाटर ऑफ द सुंदरबंस अब वाटर ऑफ द सुंदरबन कैसा है ब्लैकिश है ब्लैकिश का मतलब होता है सॉल्टी नेक्स्ट इज अजॉयल बेंगाल टाइगर ये क्या है उसको उन्होंने सोचा था कि वो एक फ्लोटिंग लॉग है घासी खाली क्या है वहां पे इट इज द प्लेस टू ड्रॉप एंकर मतलब जहाँ पे वो रिवर जहां उन्होंने लास्ट में जब रात हो गई थी तो उन्होंने एंकर ड्रॉप कर दिया था माटला फोर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट माटला फोर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट में क्या हुआ था दे व पीपल हु वर डिगिंग अ स्वीट वाटर पॉन्ट वो मार्शी लैंड में स्वैंप से हटा के एक जो है स्वीट वाटर पॉन्ट को डिग कर रहे थे मैनग्रोव अब मैनग्रोव क्या है उसकी 65 डिफरेंट स्पीशीज है सुंदरबंस में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये दो रिवर्स हैं जो मिक्स एंड मर्ज विथ सदर्न ओशन टाइड्स सिंपल अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो दिस इज गोइंग टू बी एन लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू अब है डिस्क्राइब द इनकाउंटर बिटवीन द नरेटर एंड द टाइगर अब ये जो नरेटर और टाइगर के बीच का जो पूरा इनकाउंटर हुआ है उसे हमें डिस्क्राइब करना है सो द आंसर इज गोइंग टू बी बिट लेंदी द नरेटर while मेकिंग his वे अलोंग द ब्लू ग्रीन waters ऑफ द नेटी दोपानी रिवर इन द सुंदरबंश टाइगर रिजर्व देखो इस आंसर को समझो लेंथ पे मत जाओ ठीक है इसमें जो नरेटर While making his way, जब वो कहां जा रहा था, along the blue green water. कौन से से में के water में, में। के है है सुंदरबन टाइगर रिजर्व तो तो बस ये तीन words की वजह इतना लंबा जो है, three lines बढ़ गई हैं। तो आपको क्या लिखना है द नरेटर वाइल्ड मेकिंग विद द ब्लू ग्रीन वॉटर ऑफ द नोटी धोपानी रिवर इन द सुंदरबन टाइगर रिजर्व स्पॉटेड समथिंग विच लुक लाइक अ फ्लोटिंग लॉग उसने कुछ ऐसा नजर आया उसको जो ऐसा लगा कि तैरता सा जो लकड़ी का टुकड़ा है ही नोटिस दैट इट a मूविंग एट angle डिग्री एंगल vessel. फिर उसने नोटिस किया कि वो 90 डिग्री के एंगल पे उसके वेसल की तरफ उसकी बोट की तरफ आ रहा है लेटर ही रियलाइज दैट इट was नॉट अ लॉग बट अ वाइल्ड टाइगर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये तो कोई लॉग नहीं है ये एक वाइल्ड टाइगर है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज हैपनिंग एट माटला फोर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट वट वॉज द ऑथर्स व्यू अबाउट द एक्टिविटी अब माटला फोर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट में क्या हो रहा था स्कोर्स ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे जो लेबरर्स थे वो उस माशी लैंड स्वैम्प लैंड में से हैक कर रहे थे क्या एक स्वीट वाटर पॉन्ड हैक कर रहे थे तो हम वही लिखेंगे एट माल्टा

अमेज हो रहे थे सरप्राइज हो रहे थे कि वो लोग क्यों कर रहे हैं ये काम क्योंकि सुंदरबन का एवरी क्रिएचर उसने अडेप्ट कर लिया है सॉल्टी वाटर में रहने के लिए वॉट डज द ऑथर से अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुंदरबंस अब यहाँ पे ऑथर जो है सुंदरबन की बायोडायवर्सिटी के बारे में क्या कह रहे हैं अ डेल्टा एक पैच ऑफ लो लाइंग मड एंड सिल्ट द सुंदरबन इज अ ट्रॉपिकल एस्टोराइन स्वैंप फॉरेस्ट वेयर एज मेनी एज सिक्सटी फाइव मैन ग्रोव प्लांट स्पीशीज ग्रो तो अब आप यहाँ पे बेसिकली सुंदरबन के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो आपने क्या बोला ये क्या है ये एक डेल्टाइक पैच है लो लाइंग मट का जिसमें लो लाइंग मतलब जो धंसने वाली मिट्टी होती है और जो रेत होती है उसका एक मिक्सचर है ये तो सुंदरबन क्या है एक ट्रॉपिकल एस्टोराइन स्वम्प है स्वयं फॉरेस्ट है जहाँ पे 65 से ज़्यादा जो है मैनग्रोव प्लांट स्पीशीज़ ग्रो करते हैं मेकिंग इट द मोस्ट डाइवर्स मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड तो मोस्ट डाइवर्स मतलब सबसे ज़्यादा घना और मैक्सिमम स्पीशीज़ वाला मैनग्रोव फॉरेस्ट है पूरी दुनिया में इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन इंडिया विथ नो परमानेंटली सेटल्ड विलेजेस। ये एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है इंडिया में जहाँ पे परमानेंटली मतलब कोई भी विलेज परमानेंटली सेटल नहीं होता मतलब ह्यूमन का जो सेटलमेंट है वो वहाँ परमानेंट नहीं है इट इज अ बॉर्डर्स पैराडाइज अलॉन्ग विद स्पीसीज ऑफ वाटर एनिमल्स ये एक बॉर्डर्स पैराडाइज है मतलब यहाँ पे बहुत सारी तरह की आपको बर्ड्स मिल सकती हैं ऑल्सो इट इज़ अ होम टू अ लॉर्ड ऑफ वॉटर एनिमल्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर देयर नो परमानेंटली सेटल्ड विलेजेस इन द टाइगर रिजर्व अब इस टाइगर रिजर्व में परमानेंटली सेटल्ड विलेजेस क्यों नहीं है देयर आर नो परमानेंटली सेटल्ड विलेजेस इन द टाइगर रिजर्व बिकॉज़ लाइफ कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट यहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल हो सकती है हार्ड एंड डेंजरस फॉर ह्यूमंस एज देयर इज नो सॉलिड ग्राउंड एंड मेनमेड डाइक्स यहाँ पे कोई सॉलिड ग्राउंड ही नहीं है हर हर जगह तो आप धक धंस जाओगे तो आप घर तो बना नहीं सकते प्लस यहाँ पे मैन मेड डाइक्स भी नहीं है डाइक्स क्या होते हैं जो बड़े बड़े वॉल्स आप बनाते हो ताकि अगर बाढ़ आए तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सके तो ना डाइक्स है यहाँ पे और लैंड एकदम स्वम्पी है मतलब यहाँ पे जो है हार्ड सरफेस नहीं है तो यहाँ पे वो अपना घर भी नहीं बना सकते दिस इज़ द अल्टीमेट लैंड ऑफ द टाइगर ये सिर्फ टाइगर का लैंड है यहाँ पे ह्यूमन्स जो हैं वो सेटल नहीं हो सकते व्हाट इज द नो विन सिचुएशन इन द सुंदरबंस दैट द ऑथर डिस्क्राइब्स ऑथर बोलते हैं कि एक नो विन सिचुएशन है ना ह्यूमन्स के लिए कोई जीत है ना टाइगर्स के लिए ऐसा क्यों A no नो विन सिचुएशन called as लूज लूज सिचुएशन इज वन वेयर the पर्सन हैज़ choices बट नो चॉइस लीड्स टू अ नेट गेन एक नो विन सिचुएशन वहाँ होती है जहाँ पे लूज लूज कंडीशन होती है मतलब कोई भी जीतेगा नहीं तुम भी नहीं जीतोगे मैं भी नहीं जीतूँगी मतलब आपके पास चॉइसेस होंगे लेकिन आप किसी भी किसी भी चॉइस को जो है एक्सेप्ट कर लो आपको नेट गेन नहीं होगा द नो विन सिचुएशन इन द सुंदर बन द ऑथर डिस्क्राइब्स इज दैट दो ह्यूमन्स आर नॉट से वहां पर नहीं है दे पोर इन टू द स्व एवरी डे दैट द वेदर अलाउस तो वो हर कुछ उसमें जो है मतलब आ, जो है वो वहाँ पे जो स्वाम्स में पोल करते जा रहे हैं दिस सेट्स अप अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट एंड्स अप एज अ नो विन सिचुएशन इन विच बोथ ह्यूमंस एंड टाइगर्स डाई तो ये जो आपका लास्ट पैराग्राफ है आपके चैप्टर का वो हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है नेम द वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ मेंशन इन दी एक्सट्रैक्ट और उनको जो है एयर वाटर लैंड के हिसाब से सेग्रीगेट करके लिखना है तो यहाँ पे एयर स्पीशीज में हमने लिखा है कर्ल्यूज विम्बल्स क्रस्टेशियंस सैंड पाइपर्स पिगमी पिपिस एंड ब्राउन विंग किंगफिशर्स इन सब के बारे में हमने बात करी है वाटर स्पीशीज में वाटर क्रोकोडाइल्स मॉनिटर लिजर्ड्स मड मर्डस्केपर्स एंड फिडल फिडलर क्रैप्स और लैंड स्पीशीज में टाइगर्स एंड स्नेक्स क्लियर अब है चैप्टर एंड एक्सप्लेन व्हाट दे मीन यहां पे सिमिलीज़ क्या होते हैं सिमिलीज़ मतलब जब आप दो इंडिविजुअल चीजों को अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हो जिसमें एक कोई सी चीज कॉमन होता है जैसे मैंने बोला हर लिप्स वर एज सॉफ्ट एज फेदर जब मैंने बोला एज सॉफ्टेस्ट फेदर मतलब मैं यहाँ पे किस चीज़ को कंपेयर कर रही हूँ सॉफ्टनेस को कंपेयर कर रही हूँ तो जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो यूजिंग द वर्ड एज या लाइक like, इसको हम बोलते हैं सिमिली तो यहाँ पे चैप्टर में हमने जो दो सिमिलीज यूज़ करी हैं एक है एज मैनी एज 65 फाइव मैन प्लांट स्पीशीज ग्रो और एक और लाइन जो है लाइक अ शेफ माइट स्टर अ ग्रेट सूप जहां वो बोल रहे हैं कि इसमें इतने जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जो है एक शेफ जो है वो अपने ग्रेट सूप को मिक्स रॉयल बंगाल टाइगर बेस्ड ऑन वॉट यू है चैप्टर so मतलब सो so ये रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है द बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ आर कंट्री फर्स्ट पॉइंट टाइगर्स आर पावरफुल स्विमर्स ये हमने पढ़ा है सेकेंड पॉइंट दे हैव एक्सलेंट विजन एंड गुड हियरिंग जो टाइगर्स होते हैं उनका विजन बहुत ज्यादा अच्छा होता है वो बहुत दूर तक का सुन लेते हैं दे आर लार्जेस्ट स्ट्रॉगर एंड मोर पावरफुल देन अदर टाइगर्स जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं उनकी लेंथ उनके वेट दे लुक सो मैसेव तो ये जो है बाकी सारे टाइगर्स के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं पावरफुल होते हैं और बड़े होते हैं वाई डू यू थिंक ह्यूमस कम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द इन्वायरमेंट अब ये ह्यूमस जो हैं क्यों इनके इन्वायमेंट के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है क्यों इनकी लड़ाई होती है ह्यूमस कम इंटू कॉन्फ्लिक्ट विद द इन्वायरमेंट फॉर इंक्रीजिंग नीड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ह्यूमन सेटलमेंट चाहिए इनको तो ये इनके जो है फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं इलीगल ग्रास कलेक्शन करते हैं एंड डीफॉरस्टेशन इन सारी चीज़ों की वजह से ह्यूम्स में और वहाँ के जो क्रिएचर्स हैं स्पेशली टाइगर्स में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दैट इज इट

Select the topic chapter wise, it is given, and then your video will appear. So, thank you so much. Don't forget to again like, subscribe, and share. Take care.